हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज अ कंप्यूटर सीरीज फॉर द JIT एग्जाम, जो कि अभी एक दो महीने बाद होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑलरेडी इसमें तीन चार वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमें जो है फॉलो नहीं किया, हमसे जो कनेक्ट नहीं किया है इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे, तो आप एलीट एकेडमी रैन हैंडल पे जाके हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन, वो ये है कि थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1965 से 1971 तक, ये आपको याद रखना, 65 to 71। दूसरा कि इस कंप्यूटर में जो सबसे मेजर चेंज आया था वो आया था इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इसमें जो है ICs का यूज किया गया था। जो सेकंड जनरेशन थी वहां पे यूज किया गया था ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स को, लेकिन थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। अब एक आईसी क्या होती है? अ सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स अलोंग विद एसोसिएटेड सर्किटरी। कहने का मतलब आईसी क्या होता है? एक सिंगल सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, रजिस्टर्स लगे होते हैं और जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं। एक बहुत बड़ा सर्किट जिसमें कि बहुत सारे जो हैं ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो हैं कैपेसिटर्स और रजिस्टर जो हैं लगे होते हैं। दूसरा, जो ये आईसी थी इसको जो है किसने इन्वेंट किया था? इनको इन्वेंट किया था रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्वी। ये नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्वी। This development made computers smaller in size, reliable and efficient. ICs की मदद से क्या हुआ कि जो कंप्यूटर का साइज था वो काफी कम हो गया, ये ज्यादा रिलायबल हो गए और इनकी एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के मुकाबले। नेक्स्ट बात आपको याद रखनी कि इन दिस जनरेशन जो है रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। इन जनरेशन में कि रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे यूज हुआ, यानी कि यहाँ पे जो मल्टी प्रोग्रामिंग करने में सक्षम था ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। नेक्स्ट, इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुई थी, इनमें जो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुई थी, सबसे पहले बता दूं कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि एक इंसान यानी कि हम समझ सकते हैं और उस लैंग्वेज का यूज करके वो जो है कंप्यूटर्स के साथ जो है बात कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी जो कोडिंग होती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होती है, जो कि आज जैसे C++, जावा या पाइथन होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज। उस समय की जो हाई लेवल लैंग्वेज थी थर्ड जनरेशन की वो थी Fortran 2 to 4, BUL COBOL, पास्कल, PL1 एंड बेसिक एंड Algo 68 और भी कई सारी जो लैंग्वेज थी उस समय थी, लेकिन जो मेजर थी वो ये थी Fortran 2 to 4, COBOL, पास्कल, PL1, बेसिक एंड Algo 68, जो कि उस समय यूज होती थी। तो हम बात कर लेते हैं एडवांटेज, जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की क्या एडवांटेज रही है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करूं कि ये जो कंप्यूटर थे ये चीपर थे एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेकंड जनरेशन के मुकाबले ये जो थे सस्ते थे। दूसरा कि ये काफी ज्यादा फास्ट और रिलायबल थे। तीसरा कि इनमें जो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, जिसकी वजह से इनका जो साइज था वो काफी ज्यादा कम हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईसीज की वजह से सिर्फ साइज ही कम नहीं हुआ था, बल्कि इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस में थी वो भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई थी पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कि स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी काफी ज्यादा बड़ी थी एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे पंच कार्ड के बजाय जो माउस और कीबोर्ड्स को यूज किया था एज एन इनपुट डिवाइस। जो पिछले जो थे वहां पे जो है पंच कार्ड या जो मैग्नेटिक टेप्स थी उनको यूज किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो है माउस और कीबोर्ड का यूज किया गया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहली बार। पर नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये जो कंसेप्ट है इसमें जो टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया था, यानी कि यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया था। नेक्स्ट इसके एडवांटेज है वो कि इन कंप्यूटर की वजह से जो कंप्यूटेशनल टाइम था, कहने का मतलब जो कैलकुलेशन टाइम था, वो माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में पहुंच गया था। यानी कि पहले सबसे पहले लगते थे मिली सेकंड, उसके बाद लगे माइक्रो सेकंड, और इसके बाद जो थर्ड जनरेशन में जो टाइम था कंप्यूटेशन टाइम वो पहुंच चुका था प्रोसेसिंग टाइम नैनो सेकंड में, यानी कि काफी ज्यादा कम समय हो चुका था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो इसकी जो डिसएडवांटेज थी वो ये थी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था ये तो एडवांटेज थी, लेकिन इनको जो मेंटेन करना था वो काफी ज्यादा जो है डिफिकल्ट था, यानी कि आईसीज को मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तीसरा कि जो ये टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि आईसीज को मैन्युफैक्चर करना था, ये काफी ज्यादा जो है डिफिकल्ट थी, काफी ज्यादा जो है मुश्किल या जटिल हम बोल सकते हैं आईसीज को उस समय। आज के कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो उस समय जो आईसीज को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। तीसरा था कि इसके लिए एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती थी ताकि जो सिस्टम है उसको कूल रखा है, उसको ठंडा रखा है, इसलिए एसी की जो यूज होता था यहाँ पे, यानी कि एसी की रिक्वायरमेंट होती थी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से कंप्यूटर जो उस समय यूज हुए थे थर्ड जनरेशन में जो मेजर है। सबसे पहला है जो ये नाम याद रखना वो IBM 360 सीरीज है कि 360 सीरीज जो IBM की थी वो थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है हनीवेल 6000 जो हनीवेल 6000 सीरीज थी वो भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। नेक्स्ट है PDP 8 एंड PDP 11 यानी कि PDP का मतलब पर्सनल डाटा प्रोसेसर जो ये था 8 और 11 ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का नाम था। IBM 370 और IBM 168 यानी कि 168 जो था वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। PC 316 जो था ये भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ये कुछ थे मेजर कंप्यूटर जो कि थर्ड जनरेशन के थे जो आपको रिमेंबर यानी कि याद रखने हैं। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में याद रखनी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ MCQs थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो पहला एमसीक्यू है वो व्हाट इज अ मेजर चेंज इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि थर्ड जनरेशन में सबसे मेजर चेंज क्या आया था। तो वो आपको इन तीनों ऑप्शन में से बताना है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ऑप्शन 3। सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन ये इनमें से कौन से जो है कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन है IBM 360 और हनीवेल 6000 या IBM 310 या एडवैक। तो इसका जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वो है IBM 360 जो एडवैक था वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं थर्ड क्वेश्चन की तो वो था व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन दिए यहाँ पे मैग्नेटिक कोर पंच कार्ड या कीबोर्ड। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस यूज किया गया था वो था कीबोर्ड एंड माउस। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो वो है फोरट्रान और कोबोल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी थर्ड जनरेशन में। हमें आंसर बताना है ट्रू या फॉल्स में। तो यस फोरट्रान और कोबोल जो थी वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो थर्ड जनरेशन में यूज की गई थी। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू रिलेटेड टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और आप जो इस वीडियो को दोबारा से फिर से देख सकते हैं अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं है। आपको हर एक लाइन को बहुत ध्यान से जो है समझना और याद रखना है क्योंकि क्या पता कौन सी लाइन से जो है क्वेश्चन आपको आ जाए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं और अगर हमसे कोई मिस्टेक है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप हमें जो फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज पूछ सकते हैं @elite_academy_rank हैंडल पर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।